एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने का प्रोसेस क्या है, किस टेक्निक पे हम मेजर करते हैं, तो ये हम जानेंगे और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट है और क्या सिचुएशन चल रहा है फिलहाल, ये सब जानेंगे। तो देखिए, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यानी इसका कोई फिजिकल यूनिट नहीं होता, और ये कलर कोडिंग होती है, यानी हम इसकी क्वालिटी गुड है बैड है क्या है उसको हम कलर कोडिंग के हिसाब से देते हैं, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो 0 to 500 हम लेते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। देखिए, हम जानते हैं कि एयर के क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एयर वॉल्यूम लेते हैं और उसमें कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में हैं ये सब का कंसंट्रेशन देख के हम बताते हैं कि ये बैड है या फिर गुड है। ठीक है, तो इसमें हम जो मुख्य गैसेस लेते हैं वो होते हैं SO2, NO2, CO, PM2.5 और PM10। एक्चुअली PM2.5 क्या होता है कि वो छोटे छोटे हवा में मौजूद कण जिनका डायामीटर जो है ना, जिनका डाया 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, वो डाया यानी जो हम इनहेल कर सके हवा में सांस के रूप में, हम जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ले लेते हैं वो पार्टिकल्स, वो गंदगी। और PM10 इसी तरह कहते हैं, PM10 वो छोटे छोटे धूल कण स्मोक जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बाइक से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला, चूल्हों से गैस चूल्हे जहाँ से भी निकले गंदगी, वो सब होती हैं और ये हमारे फेफड़ों को नुकसान देती हैं। ठीक है, और जो दिल्ली में बताया गया था कि जितने भी स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 40% बच्चों का फेफड़ा बीमार है, फेफड़े की बीमारी है इनको, और इनके फेफड़ों में बीमारियां इतनी ज़्यादा है ताकि ये 40 के आसपास आते समय कई प्रकार अस्थमा जैसी TB जैसी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हालांकि हमारे भारत में नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 150 के आसपास रहता है। ठीक है, और वहीं अगर जर्मनी चले जाएँ तो हमारे इंडियन एयर इंडेक्स के मुताबिक मात्र 4 है, 4 AQI है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वहाँ पे? 4 है, यानी पॉल्यूशन वहाँ बिल्कुल कम है। पॉपुलेशन इसका सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, तो गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है जिस कारण एयर की क्वालिटी कम हो जाती है। अब जानते हैं जरा एयर क्वालिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। हर देश का अपना अपना एयर क्वालिटी मेजर करने का एक इंडेक्स होता है। हमारे इंडिया में 0 to 50 कंसंट्रेशन होता है उसे गुड कहते हैं, 51 to 100 जो होता है, जो ऑरेंज कलर में आता है, उसे मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट मतलब फिलहाल चलिए ठीक ठाक है जो भी है। अगर 101 से 150 के बीच जाता है तो उसे अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव पर्सन कहते हैं, यानी अगर आपका तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ कहा है कि अगर आप किसी बीमारी से उलझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो आपके लिए अनहेल्दी है, हालांकि हेल्दी के लिए नहीं। और वही अगर 150 से 200 के बीच चला जाए तो हेल्दी पर्सन के लिए भी अनहेल्दी हो जाता है, और 200 से 300 के बीच वेरी अनहेल्दी, यानी बिल्कुल ख़राब है, अगर आप इसमें रहेंगे तो आपकी तबीयत फिक्स है, ख़राब हो जाएगी। और अगर 300 के पार चला जाता है, 300 से 500 के पार चला जाता है, तो वही एकदम अमरीश पुरी वाला हाल हो जाएगा कि अब बात करते हैं अगर एयर क्वालिटी एकदम ख़राब है, जैसे दिल्ली में 300 प्लस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, एयर क्वालिटी अचानक से ख़राब नहीं होती। आपने सुना होगा कि अक्टूबर महीना के आते आते छठ दिवाली का जो सीज़न आता है उस समय एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय पर्व त्यौहार के समय गाड़ियों का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाता है, तो दिल्ली में बहुत सारी व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं, तो वहाँ से भी जनरेशन ऑफ स्मोक बढ़ जाता है। और खेती की बात की जाए तो वो समय आता है धान वगैरह की, जब खेती खत्म हो जाती है तो जो उसके से जो पुआल पराली जो भी निकलती है, तो उसे ख़त्म करने के लिए किसान उन्हें जलाते हैं, तो जलने से जो स्मोक निकलता है वो भी कारण बन जाता है किसका, पॉल्यूशन का, वो भी एयर में ही आएगा, एयर की क्वालिटी को डाउन करता है। और शुरुआती ठंड में लोग आग वगैरह भी सेकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मतलब हर तरीके से ये एयर में जितना भी अगर डस्ट पार्टिकल मौजूद किया जाएगा या फिर एयर पार्टिकल रिलीज किया जाएगा, स्मोक रिलीज किया जाएगा, तो वो एयर की क्वालिटी को डाउन करेगा। और भारत में ये सब हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला कि जो कोरोना में 1 लाख लोगों की मौत होती फर्स्ट स्टेज में, वहीं गंदी हवा की वजह से भारत में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है 1 साल के अंदर। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बीमार करता है, ऐसा नहीं कि एयर क्वालिटी बिगड़ी और आप मर गए, नहीं, वो आपको बीमार करता है और उस बीमारी के चलते आपकी जान चली जाती है। जैसे कि फिलहाल बच्चों के फेफड़ों की बीमारी का रेशियो बताया जा रहा है कि भैया 40% से ज़्यादा दिल्ली में बच्चों को फेफड़ों की बीमारी है, जो कि फिलहाल नहीं पता चल रहा, आगे चल के वो नुकसान देगा। तो इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी को इम्पेक्ट करती है, हमें भी आपको भी। तो एयर को क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए जितना हो सके आप भी काम करें, हम भी करते हैं, और अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों पर भी
कंट्रोल करें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।